इट्स क्लियर पोलिटिसाइजेशन. मुझे लगता है कि ये बहुत दुख की बात है कि उत्तराखंड में इस प्रकार की राजनीति हो रही है, क्योंकि संविधान में सब बराबर हो जाते हैं. अगर धर्म के आधार पर निर्णय होने लग जाएं तो ये कहां रुकेगी प्रक्रिया. 1947 में जिन्होंने तय किया कि देश संविधान पे चलेगा और पाकिस्तान जो है धर्म पे चलने वाला था, तो आज अगर देश के अंदर ये हो और समानता दिखाना पड़े आर्टिकल 14 के तहत, तो कल को अगर हिंदू समाज ये तय कर ले, सारे धर्म गुरु तय कर ले कि सोमवार को शिवजी की होगी, मंगलवार को हनुमान जी के लिए 2 घंटे की पूजा की चाहिए, शनिवार को शनिदेव के लिए चाहिए, रविवार को सूर्य देव के लिए 2 घंटे चाहिए, तो क्या सारे दफ्तरों में फिर ये करेंगे, समानता की बात हो जाए. तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुसलमानों को इस प्रकार से टारगेट करना, इस प्रकार से जानबूझ के कहना, सारे मुसलमान थोड़ी ना नमाज के लिए जाते हैं जुम्मे के दिन, सारे हिंदू थोड़ी ना मंदिर जाते हैं रोज, सारे क्रिश्चियन थोड़ी ना चर्च रोज जाते हैं. तो इस प्रकार की चीजें धर्म आधारित देशों में हो सकती हैं, जहां पर शरिया के आधार पर चले, जहां पर संविधान के आधार पर चले. तो मुझे लगता है ये समाज में द्वेष करने का एक प्रक्रिया होती है और वोट की राजनीति के लिए संविधान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है.